हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ देवेश एंड यूर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो गाइस, काफ़ी सारे बच्चे रिजल्ट को लेके परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होंगे, कब होंगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजल्ट को लेके कि आपके जितने रिजल्ट पेंडिंग है जिन जिन कोर्सेज के, वो कौन से हैं और रिजल्ट की डेट कब तक है। एक्सपेक्टेड मैं आपको बताऊँगा मेरे अकॉर्डिंग कब तक आने वाले हैं। साथ ही साथ आपको वो डेट भी बताऊंगा जो प्रिंसिपल, जो आपको पता ही होगा SLDU के प्रिंसिपल जो इंटरव्यू में बताते रहते हैं, उन्होंने अपने जो इंटरव्यू दिए थे हाल फिलहाल में, एक दो दिन पहले उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया था कि इन डेट्स रिजल्ट जो है वो कब तक आएंगे। तो ये जो सामने आपके कोर्सेज दिख रहे हैं, ये सारे कोर्सेज के रिजल्ट कब तक आएंगे, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेमेस्टर वन से। देखो, आपको पता होगा जो सेमेस्टर वन सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, सेमेस्टर वन के मोस्टली सारे रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते आपके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए। सेमेस्टर वन के सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं सिवाय एक रिजल्ट, BA प्रोग्राम के रिजल्ट को छोड़कर। अभी तक BA प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं आया। और मैंने एक चैनल पर देखा था जिसमें SOL के प्रिंसिपल ने अपना इंटरव्यू देते हुए बताया था कि BA प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट है वो एक दो दिन के अंदर आ जाएगा। मतलब कि अगर हम एक्सपेक्टेड माने तो आपका रिज़ल्ट 20 तारीख से पहले देखने को मिल सकता है, BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट। ठीक है, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा चैनल एक्सप्लेन पे ही आपको वीडियो बना के या मैं कम्युनिटी में पोस्ट डाल के अपडेट कर दूंगा रिज़ल्ट आ चुका है, आप डाउनलोड कैसे करने वाले हो। ठीक है, तो देखो BA प्रोग्राम का जो रिज़ल्ट बच्चे वेट कर रहे हैं, तो उनको बता दूं BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट जल्द ही आ जाएगा। एक दो दिन की बात हो रहा है, हो सकता है परसों तक आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए। ये मैं नहीं कह रहा, SLDU के जो प्रिंसिपल है उनका कहना है, नोटिस उन्होंने दिखाया था इंटरव्यू में, जो बताया वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे होंगे, काफ़ी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि ये बार बार डेट चेंज की होती है। तो देखो, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, वो इस बात को सारे के सारे एग्जामिनेशन बोर्ड के ऊपर थोप देंगे कि एग्जामिनेशन बोर्ड से जो डायरेक्शन, जो नोटिस आता है वो आपको बताते हैं, और वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीचे Semester 2 का रिज़ल्ट कब आएगा। देखो, Semester 2 के काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं जानता हूँ Semester 2 के एग्ज़ाम भी हो गए हैं। Semester 2 वाले बच्चों के एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुए थे, ठीक है, पीछे। तो देखो, Semester 2 के रिज़ल्ट की अभी दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं है कि Semester 2 वाले बच्चों का रिज़ल्ट कब आएगा। क्योंकि देखो, अभी Semester 1 का ही रिज़ल्ट पेंडिंग में है, तो Semester 2 का रिज़ल्ट जब ही डिक्लेयर होगा, जब सारे के सारे Semester 1 के रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, मतलब कि लास्ट रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद 15-20 दिन और आगे लगा लो, उसके बाद ही Semester 2 का कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब देखो, बच्चों को Semester 3 में एडमिशन लेना है, और जब Semester 1 और 2 के रिज़ल्ट अभी नहीं आए हैं, तो वो सोच रहे हैं अगर हम दोनों में पास नहीं हुए, फेल हो जाते हैं, तो हम Semester 3 में एडमिशन कैसे ले पाएंगे। तो देखो, अगर आप फेल हो जाते हो दोनों में, बाई चांस बता रहा हूँ, ऐसे ना हो तो अच्छा है, अगर आप किसी कारण से दोनों सेमेस्टर में रह जाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको एक्स स्टूडेंट माना जाता है। एक्स स्टूडेंट का मतलब होता है जो दोनों सेमेस्टर में रह गया, अब आपको दोबारा एग्ज़ाम तो देने पड़ेंगे ही, मगर इसके जो एडमिशन है वो एक्स स्टूडेंट के साथ दे सकते हो। मतलब कि सेमेस्टर जो आगे चलेंगे, जैसे कि सेमेस्टर हो गया 5th, हो गया ये Semester 3 हो गया, उनके साथ आप इसके एग्ज़ाम के रिजल्ट दे सकते हो। और एक चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, जो Semester 1 और Semester 2 के बच्चे हैं, इस बार उनको सिर्फ प्रमोट करा जाएगा, चाहे वो दोनों सेमेस्टर में भी फेल हो जाए ना, तब भी उनको प्रमोट करा जाएगा, सिर्फ इस बार ही अपॉर्चुनिटी दी गई है। अब नीचे हम बात कर लेते हैं एनुअल मोड के रिजल्ट की। एनुअल मोड के रिजल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं बताई SOL के प्रिंसिपल द्वारा। फिलहाल मैं अभी आपको बताऊं तो ये मान सकते हो उन्होंने अभी कहा है कि एक दो दिन में इसका भी आ जाएगा, मगर एक दो दिन मेरे को नहीं लगता। तो 20 तारीख मान के चल लो, और 20 तारीख देखो, अभी तक तो इसका रिजल्ट जनरल मोड का बहुत लेट हो गया है, अभी तक इसके रिजल्ट की कोई अपडेट है नहीं, तो इसके बारे में मैं कन्फर्म अभी नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो 20 तारीख मैंने एक्सपेक्टेड बता दिया आपको, बाकी आप देख लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं Semester 4 के जो रिज़ल्ट आए हैं। Semester 4 के रिज़ल्ट आपको पता होगा इसी वीक में जो गया है, अभी आपके दो तीन दिन पहले ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं। कौन कौन से कोर्सेज के हुए थे, BA प्रोग्राम का हो गया था, साथ ही साथ BCom प्रोग्राम का हो गया था, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स। ठीक है, तो ये तीन रिज़ल्ट आपके डिक्लेयर हो गए थे एक ही रात में, परसों मैंने इसकी वीडियो भी डाली थी। अब बचे हैं दो रिज़ल्ट, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स Semester 4 के। ये रिज़ल्ट भी जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि इनके एडमिशन Semester 5 वाले बच्चों को करवाने हैं। एडमिशन से पहले रिज़ल्ट आएगा कन्फर्म है, तो इसकी डिटेल जो बता दिया मैंने आपको 20-25 मान के चलो, हो सकता है इसका रिज़ल्ट भी अभी उनके आए हैं, तो इस हफ्ते के एंड तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये हफ्ता एंड होगा, आपको मोस्टली रिज़ल्ट इस हफ्ते के एंड में देखने को मिल सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। अब लास्ट जो है हमारा सेकेंड फेज़ के रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
काफ़ी सारे बच्चे पूछेंगे सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट कब आएंगे। तो देखो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम जो अगस्त में हुए थे सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चों के और सेमेस्टर सिक्स वाले बच्चों के, उनके रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जल्द ही। मगर इस मंथ से मैं एक्सपेक्टेड बता नहीं सकता ये मंथ कन्फर्म रहेगा या नहीं रहेगा। इस मंथ की जो 25 तारीख है उसके बाद मान लो, ठीक है, या फिर आप मान लो नवंबर का जो फर्स्ट वीक आने वाला है उसके अंदर सेकंड फेज़ के रिज़ल्ट भी जल्दी आपको देखने को मिलेंगे, डिक्लेयर होंगे। और SLDU की तरफ से बताऊँ तो देखो उनका कहना है कि 20 तारीख से पहले मतलब कि 2-4 दिन में या फिर प्रोसेसिंग में आपके रिज़ल्ट मोस्टली, तो जल्दी आपको सामने आपके डिक्लेयर होके मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो उनका तो कहना है कि भाई रिज़ल्ट प्रोसेसिंग में है, बहुत तेज़ी से उनका जो कार्यालय है, जो आपके जो कर्मचारी हैं उनके, वो काम कर रहे हैं, उनके स्टाफ मेंबर लगे हुए हैं रिज़ल्ट चेकिंग करने में फटाफट, तो आपके रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे। तो ये अक्टूबर एंड होते होते इसमें से मोस्ट ऑफ द 50% से ऊपर रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर होके मिल जाएंगे, और एडमिशन भी स्टार्ट जब होंगे उसकी वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही, आज की वीडियो में यही अपडेट करने वाला था कि सारे कोर्सेज के जो रिज़ल्ट पेंडिंग है ये कोर्सेज हैं और इनके रिज़ल्ट कब आएंगे। अगर कोई रिज़ल्ट रह गया हो तो नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा भी। और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना SOL रिगार्डिंग के SOL DU की सारी अपडेट्स चैनल एक्सप्लेन पर मिलती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।